हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स लिविंग बींग्स कौन से होते हैं जो सांस लेते हैं और जो अपने यंग वंस को पैदा कर सकते हैं उनको लिविंग बींग्स बोलते हैं और नॉन लिविंग जो होते हैं ना वो सांस लेते हैं और ना वो यंग वंस को पैदा करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स अपने ही यंग वंस को न्यू uh, जनरेट करते हैं पैदा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में रिप्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है सीड्स के द्वारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो स्पोर्स और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स कुछ प्लांट्स होते हैं जो रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ पत्तों से रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स सीड्स के द्वारा प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं ये टॉपिक डिस्कस करेंगे अब हम तो सबसे पहले जानते हैं सीड्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ सीड तो सबसे पहले होता है सीड कोट उसके बाद सीड होल कोटी एम्ब्रियो इनकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे बाद में पहले सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सीड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ठीक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो आउटर कोटिंग होती है उसको बोलते हैं सीड कोट और जो ये आपको होल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, उनको बोलेंगे सीड होल ठीक है फिर जब हम एक सीड को ब्रेक करते हैं तोड़ते हैं तो वो दो हिस्सों में हो जाता है और उसका जो इंटरनल पार्ट है वो दिखाई देता है इस तरह से तो सीड कोट के जस्ट नीचे ही कोटिलेडंस होते हैं कोटिलेडन्स का क्या काम होता है ये भी पढ़ेंगे हम और फिर जो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट ग्रो होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं सीड कोट क्या होता है अभी हमने सीड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था सीड कोट इट इज एन आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इन साइड ये सीड की आउटर कवरिंग होती है जो सीड के अंदर बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है उसके बाद सीड में जो छोटे छोटे होल्स हैं, सीड होल वो क्या होते हैं इट अलाउज वाटर टू एंटर द सीड सीड होल वाटर को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए और बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसके बाद कोटी लेडन्स इट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट कोटी लेडन्स जो होते हैं वो सीड कोट के जस्ट नीचे होते हैं और इनमें फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट के लिए उसके बाद एम्ब्रियो इट ग्रोज इन टू ए बेबी प्लांट जो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट ग्रो होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं अब मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कुछ सीड्स में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है जैसे राइस और व्हीट और कुछ सीड्स में दो कोटिलेडन होते हैं जैसे बीन्स पीस इसका मतलब है एक बेबी प्लांट या तो सिंगल कोटिलेडन में प्रेजेंट होगा या फिर दो कोटिलेडन के बीच में प्रेजेंट होगा उसके बाद प्रोसेस आती है जर्मिनेशन जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें सीड ग्रो करता है यंग प्लांट के अंदर ओके okay? तो ये देखिए जर्मिनेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन देखिए जर्मिनेशन की प्रोसेस हम डायग्राम से समझते हैं जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सीड है वो यंग प्लांट में ग्रोथ कर जाता है तो सबसे पहले हम सोइल के अंदर सीड डालते हैं ठीक है और फिर सीड को प्रॉपर जब लाइट वाटर और एयर मिलती है तो फिर उसमें एक बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू करता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं फिर उसकी रूट डेवलप होती हैं नीचे की तरफ मिट्टी में नीचे रूट डेवलप होना शुरू हो जाती है और ऊपर एक शूट डेवलप होता है सोइल के अंदर से उसकी कुछ टहनियाँ या कुछ पत्ते जैसा बाहर निकलना शुरू हो जाता है उसके बाद रूट नीचे और ग्रो करती जाती हैं और ऊपर प्लांट सोयल के ऊपर और ग्रो करता जाता है उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर वो प्लांट ग्रो करके बड़ा हो जाता है तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं जर्मिनेशन थिंग्स नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन जर्मिनेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या क्या हैं एयर वाटर और लाइट अगर सीड को प्रॉपर एयर वाटर और लाइट नहीं मिल पाएगी तो वो एक यंग प्लांट में ग्रो नहीं हो पाएगा अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल एक प्रोसेस है जिसमें हम सीड या फ्रूट को पेरेंट प्लांट से दूर करके लगाते हैं क्योंकि सभी सीड्स को एक ही जगह लगा दिया तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो डिस्पर्सल की डेफिनेशन क्या होगी द प्रोसेस बाई विच सीड्स एंड फ्रूट्स आर स्केटर्ड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट ये एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स या फ्रूट को पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है और कहीं और लगाया जाता है और फिर वहां पर एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है डिस्पर्सल फोर टाइप से होता है डिस्पर्सल बाई विंड फॉर एग्जाम्पल कॉटन लीव डिस्पर्सल बाई वॉटर फॉर एग्जाम्पल कोकोनट डिस्पर्सल बाई एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कोकलबर्ग डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोजन फॉर एग्जाम्पल पीपोड तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्सल बाई विंड कैसे होता है कुछ सीड्स का वेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होता है और वो हवा के झोंके से ही पेरेंट प्लान से अलग हो जाते हैं और कहीं और जाके वो सीड्स ग्रो करने लगते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय विंड जैसे कॉटन लीव जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं वो हवा के झोंके से ही कहीं और जाके सोइल में गिर जाएंगे और वहां ग्रो करना शुरू हो जाएंगे उसके बाद डिस्पर्सल बाय वॉटर। देखिए कोकोनट का जो पौधा होता है आपने देखा होगा वो पानी के ही आसपास कहीं ग्रो करता है और जब कभी कोकोनट पानी में गिरता है और फ्लोट करके कहीं और जाके वो एक नए पौधे में ग्रो करना शुरू कर देता है इस तरह से डिस्पर्सल बाय वोटर होता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कैसे होता है कुछ सीड्स में स्पाइक्स और हुक्स होते हैं और एनिमल जब उस प्लांट के पत्ते खाने के लिए आता है तो जो स्पाइक्स और हुक्स हैं वो एनिमल पे चिपक जाते हैं और जब एनिमल किसी और प्लेस पे जाता है और वहाँ कुछ खाता है तो वहाँ वो स्पाइक्स और हुक्स वहाँ गिर जाते हैं और एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है तो इस तरह से डिस्पर्सल बाय एनिमल होता है तो उसके बाद डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कुछ सीड्स बहुत ही नाजुक होते हैं जब हम कभी किसी पेड़ के पत्ते या कुछ तोड़ते हैं पेड़ से तो उस पेड़ के सीड्स जल्दी ही आउटब्रस्ट हो जाते हैं और उनके सीड्स बिखर जाते हैं और जब उनकी सीड्स बिखरते हैं तो वहाँ पे नए नए पौधे ग्रो करने शुरू हो जाते हैं जैसे पीपोड तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोजन अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉप्स के बारे में क्रॉप्स क्या होती हैं क्रॉप्स आर द प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड और अदर पर्पस क्रॉप्स जो होते हैं वो प्लांट होते हैं जो सीड्स के द्वारा ही उगाए जाते हैं एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में या तो फूड के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए टाइप ऑफ क्रॉप्स क्रॉप्स टू टाइप की होती हैं खरीफ की क्रॉप्स रबी क्रॉप्स तो जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको, उनको बोलते हैं समर क्रॉप्स यानी कि वो समर सीजन में ही उगाई जाती हैं और रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर क्रॉप्स बोली जाती हैं क्योंकि उनको विंटर सीजन में उगाया जाता है खरीफ क्रॉप जो होती हैं वो जून से लेके अक्टूबर तक उनका सीजन होता है यानी कि जून में वो उगाई जाएंगी फिर वो ग्रो करके अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगी फिर अक्टूबर में उनको काट लिया जाता है इसके एग्जाम्पल है जवार या फिर राइस और रबी क्रॉप जो होती है वो नवंबर में उनको उगाया जाता है और अप्रैल तक वो पक्के तैयार हो जाती हैं फिर अप्रैल में उनको काट लिया जाता है जैसे वीट गेहूं और कैबेज अब मुझे बताएं एग्रीकल्चर क्या होता है एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं खेती करना इसकी डेफिनेशन क्या होगी द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए ह्यूज स्केल फॉर फूड और अदर परपज एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बहुत ही बड़े पैमाने पे फसल को उगाया जाता है या तो फूड के लिए खाने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए पैसे कमाने के लिए क्योंकि हम उस फसल को बेच के पैसे भी कमा सकते हैं तो जो भी फसल उगाई जाती है उसमें सब्जियाँ भी हो सकती हैं या फिर फूड प्लांट्स भी हो सकते हैं जैसे गेहूं जवार बाजरा इस तरह से एग्रीकल्चर की सिक्स स्टेजेस होती हैं सबसे पहली स्टेज है प्लगिंग इसको हम बोलते हैं खेत जोतना ठीक है खेत को क्यों जोता जाता प्लगिंग क्यों की जाती है क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेगी तो वहां पे जो बीज है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और ना उनको फिर प्रॉपर एयर लाइट वाटर मिल पाएगा सीड तक ये सब चीजें नहीं पहुंच पाएंगी और फिर वो बेबी प्लांट में ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो इसलिए खेत की प्लगिंग की जाती है जोता जाता है खेत को फसल उगाने से पहले उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर खेत जोतने के बाद उस मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं डाले जाते हैं उस खेत की मिट्टी की फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए यानी कि उस खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ताकि वो फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए तो ये होती है सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज होती है सिलेक्शन ऑफ सीड खेत को जोतने के बाद और उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे हमें कौन से सीड्स डालने हैं और कौन सी फसल उगानी है जिस भी फसल को आप उगाना चाहते हैं फिर उसी की सीड आप वहाँ मिट्टी में डालेंगे तो इसको बोलते हैं सेलेक्शन ऑफ सीड्स उसके बाद इरीगेशन जब मिट्टी में सीड्स डाल दिए गए हैं तो उसको फिर हवा पानी और लाइट की भी जरूरत होगी लाइट तो उसे सन से मिल जाएगी हवा भी मिल जाएगी लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर पानी हमें खुद से देना पड़ता है खेतों में तो उसको बोलेंगे इरीगेशन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ये फिफ्थ स्टेज होती है हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं नहीं तो जो कीड़े होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं वो फसल को खराब कर देते हैं और फिर सिक्स स्टेज में फसल पक्के तैयार हो जाती है काटने के लिए बिल्कुल रेडी होती है और हम फसल को फिर काट लेते हैं उसका यूज़ करने के लिए तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग फसल को काट के फिर उस ज़मीन को दोबारा नई फसल के लिए तैयार किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फिर हम हार्वेस्टिंग तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं या फिर उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं जो फिफ्थ क्लास में हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू